नहीं, 25 जून तक बाद दिया। रसीद कटवाई है? 21,000 की रसीद कटवाई है। जनता अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल, लगातार पंडोखर अपडेट आपको दिखा रहा हूं और हम पूछेंगे भक्तों से किस तरीके की समस्या आ रही है। क्या नाम है आपका? हरिओम कुशवा। हरिओम कुशवा कहां से है? खोटेला। क्या समस्या है? अरे मेरी बहन का ये रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आती, तो अभी आराम है। अच्छा, डॉक्टरों ने क्या बताया था? ऑपरेशन का बोला था। हाँ, कितना पैसा मांगा था? ऑपरेशन का बोला था 1 लाख के लगभग। क्या समस्या? इधर पंडोगढ़ सरकार पे आया तो पर्ची कटाया, आराम मिल गया। अच्छा, कितना आराम मिला होगा अभी? अभी 50% मिल गया। रीमा। रीमा क्या समस्या थी? जो कमर से पैर तक जकड़ गया, तो पैर। अच्छा, तो अभी आप जो खड़ी हैं तो आपको दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द थोड़ा है, इतना था। अच्छा, इतना था पहले? हाँ। तो आपके जाना दाला न्यूज पर देख रहे हैं पहले? इतना था पहले। इस तरीके से चलते थे और अब कितना आराम हो गया? गुरुजी ने हाथ लगाया, आशीर्वाद दिया, झाड़ा फूंका, तो 50% आराम है। तो इस इंटरव्यू को देख के आपको लग रहा होगा कि जो रीढ़ की हड्डी थी पूरी झुकी हुई थी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बता दिया था, लेकिन पंडोकर धाम में जैसे ही पंडोकर धाम ने इनको आशीर्वाद दिया तो ये काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, लगभग 50% इनको आराम हो गया है। तो आप पंडोकर धाम में भरोसा है? हाँ बिल्कुल है। ऐसा तो नहीं आपका पैसा बर्बाद हो गया? नहीं, 25 जून तक बाद दिया। अच्छा, की रसीद कटवाई है? 21,000 की रसीद कटवाई है। तो अब आराम है आपको? हाँ, 50% आराम है। कब तक आना होगा अभी पंडोकर? 5 अमास करना है। पहली अमावस्या है? हाँ, पहली अमावस्या में ही 50% आराम मिल गया है, तो इसका मतलब ये है कि पंडोकर धाम में आने से लोगों को फायदा हो रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके जनता दल के साथ, और अपने हर सवाल हमसे पूछिए, हम भी आपका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इस इंटरव्यू को देख करके आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। बेटा आप कहाँ गई थी? मम्मी ढूंढ भी खड़ी थी, अहमदाबाद में आई थी, और पर्चे में बताया गया था कि लखन वर्मा के साथ में है और 1 मास के अंदर आ जाओ, अगले मास आओ, पंडुका वो आएगी मेरी गारंटी है, ऐसा मैंने बोला था। तो आप उन्हें दिया गई? तो सब लोग क्या कहेंगे बात को? ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए, जय जय। बेटा इसमें आपके ऊपर आरोप लगाया गया था कि आप लखन वर्मा के साथ गई हैं, मैंने बताया था, तो क्या आप लखन वर्मा के साथ गई थी या कोई अन्य दूसरे लोगों के साथ गई थी? आप लखन वर्मा के साथ कहाँ रही हैं? उसके घर पर या उसके दोस्तों के यहाँ पर? घर पर। फिर आप क्यों आ गई हो, क्या भी ले आई हो? तो चली गई थी तो वहीं रहती, घूमने आई हो क्या? मायके आई थी? आप ये बताओ बेटा, इस घर की आप इज्जत बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं? कैसे बनेंगे हमें बताओ, क्या आप लखन वर्मा को छोड़ चुकी हो या आप लखन वर्मा से शादी करोगे? झूठ बोल रहे, मैं छोड़वा दूंगा? कोई मायका को शादी नहीं करा पाएगा, जहां रखता चेक करके देख लो, तुम्हें ताकत हो यहाँ पे ये करके देख लो, और मैं छूंगा नहीं, पकड़ूंगा नहीं, तो मैं ताकत दो जीना करके दिखा दो। हम वर्तमान बता सकते हैं, वर्तमान में नहीं जान दे सकते, क्षमता रखता हूं तो तुम्हारी ताकत नहीं कि भविष्य में चली जाओ, इसलिए दरबार में आप कर रही हो तो आप वचन दीजिए कि आप छोड़ना चाहते हो तो मैं छोड़वाने के लिए तैयार हूँ, मैं एक घर को छोड़वाता हूँ। पक्का? वाह, जाओ, मैं आपका सहयोग प्रदान करूंगा, और इनके ऊपर हनुमान पंचखाड़े में ले जाइए, इनको प्रेत बाधा का कारण है, चौकी का कारण है, और वैसे तो सच्चाई यह है कि यह पूर्व जन्म का मैटर है और ये शादी कर चुके हैं, ठीक है, और हमने एक ऐसा विषय लिखा है, आप जाइए किसी से एक नोट मांग के लाओ, उसका नंबर मैंने लिखा भी, जाओ मांग लिया, अपने से नहीं मांगना, और कोई भी उपाय मत देना, जिस पे हाथ रख के वो दे दे, उसका नंबर हमने रिपोर्ट कर दिया।
दिया और ऐसी बात भी साथ लिख दी कि अब आपको हो जाएगी पूरी दुनिया। सरकार का दरबार तो हुआ है जहां पढ़े लिखे लोग खुश हो जाते हैं, जो कहते हैं हम चूहे हैं और करोड़ों लाखों उसको सो जाते हैं जैसे कि पंचर हवा होता। आप उनको जानते हो जिन्होंने पैसा दिया है, तो आपकी सेटिंग तो नहीं हुई थी हमसे क्या हम नोट देंगे ये? बोलो गलत कह रहा हूं क्या? सेटिंग हो गई थी क्या? बोलिए सेटिंग हो गई थी क्या? हमने ये लिखा, सुनिए इसके आप लोग देखा भी होगा, चेक किया होगा वहां पर, इसका 3178 नंबर 4 अंक में लास्ट होना चाहिए। कितने है? आप बताइए। 3178। दुनिया के लोग सोच करते हैं इस विषय पर, आप भी देखिए बेटा, बड़े बड़े लोग शोध करता दांत की निशान में दबाते हैं कि ये पंडो के सरकार में ऐसा है क्या? तुम जो नोट देगा उसका नंबर 3178 होगा। और बेटा आपके अंदर जो बच्चा पेट में है ना, 2 महीना 17 दिन 6 घंटा 27 मिनट का गर्भ पेट में है। अब मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा कि आप छोड़ो, या मैं ये नहीं कहूंगा कि परिवार तोड़ो, लेकिन परिवार हित में धोखाधड़ी से शादी हुई है, दबाव से हुई है, इमोशनल हुई है, तो मैं आपको वचन देता हूं कि आपके ऊपर ये तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। और ये गारंटी हमारी है कि आपको मनोरथ पूर्ण होगा। मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा कि आपको करना क्या है, हटाना है या भगाना है, दौड़ाना है या चलाना है, मैं इसके लिए नहीं बना हूं कि शक्ति का दुरुपयोग करो, लेकिन मैं इतना कहता हूं विवेक इस पर छोड़ता हूं, साथ में दूंगा, क्योंकि अभी मेरे लिए धर्म संकट है, एक पल रहा है, एक को बचाना है, मां बचाऊं या बच्चा बचाऊं, परिवार बचाऊं या बच्चा, इसके लिए आपको करता हूं। जैसा तुम करोगे मैं आपके साथ हूं, लेकिन पाप में साथ नहीं, पुण्य में साथ। बोलिए पंडोकर सरकार की जय, जय श्री राम। हनुमान जी कृपा करेंगे, आप सबकी मनोकामना पूरी होगी और सब कार्य पूर्ण होंगे, ईश्वर कृपा से सभी मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। आपको जब गर्भाधान हुआ उस दौरान आपकी 18 तारीख थी, हमारे हिसाब से 14 गुनी 28 27 दिन का चक्र होता है हमारे यहाँ डॉक्टर के यहाँ पर। हमारे यहाँ 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते डॉक्टर के यहाँ 8 हफ्ते होते हैं, वो रात दिन जोड़ते हैं, तब गर्भाधान की मोन शाखा वो जो बच्चा जन्म लेता है वो 19 महीने में 18 महीने में लेता है, और हमारे गाँव की भाषा में 9 महीने में होता है, और पुलिस की भाषा में जब सजा होती है 7 साल की तो 3.5 साल में निपटा दिया जाता है, उसको आजीवन होती है उसको 14 साल में बाहर कर दिया जाता है, समझे ना? तो हमारे यहाँ गर्भाधान की परंपरा थाने उसे कोर्ट से है, जेल से है, समझ रहे? जो मैं कह पा रहा हूँ बता पा रहा हूँ, जो समझ पा रहा हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, समझते हैं अपनी अपने आप को, मैंने समझा और समझाने की विधि समझी, मैं बहुत समझा रहा हूँ, मैं कोई इसका मास्टर नहीं। तो आप बताओ जो बच्चा पेट में है उसको मैं बीएमसी यानी सात तपाई तो नहीं बोल सकता, और मैं ये पाप नहीं ले सकता, जन्म और जन्मांतर तक लोग उसके तरसते हैं, बाकी के आप निर्णय लेंगे, तुम्हारा साथ मैं दूंगा, धर्म में दूंगा, अधर्म में दूंगा, बाकी के मैं इतना जरूर बता दूंगा कान में मंत्र दे दूंगा, उस मंत्र का उपयोग कर लेना, वह मंत्र से आपको समाधान और आपके शरीर की ग्रोथ की क्रिया स्वतः ही व्यवस्थित हो जाएगी, बस संयम और आज यात्रा करना। जय श्री राम, जय पंडित। खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा,
जब भी खाइए अच्छा खाइए लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोकर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतरा विशलपुरा गांव पंडोकर धाम। पुलिस को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जनता दरबार के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ।